हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट रिलीज़ हो चुकी है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएआई हो, यूपी बोर्ड हो, कुछ भी हो, सारे बोर्ड्स की एग्जामिनेशन डेट रिलीज़ हो गई। सबसे बड़ी बच्चों के सामने प्रॉब्लम होती है कि जो एग्ज़ाम से पहले हमारा स्ट्रेस होता है वो कैसे कम करें, ठीक है। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, या स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें। स्ट्रेस तो आएगा ही, एग्ज़ाम है तो थोड़ा बहुत तो डर होना स्वाभाविक है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है सिर्फ हमारी मानसिक, भावात्मक और शारीरिक जो भाव होते हैं सिर्फ उसको अनियंत्रित करता है। मतलब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस इज इमोशनल, फिजिकल, मेंटल बिहेवियर रिएक्शन है, हमारे सिर्फ व्यवहार का एक परिवर्तन है। केवल स्ट्रेस जो है हमारे डर जो अंदर का है उसी को बढ़ाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस किन किन कारणों से आता है, क्यों आता है स्ट्रेस। अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम तो देना है, स्वाभाविक है, लेकिन स्ट्रेस आने के क्या कारण है। स्ट्रेस आने का सबसे बड़ा कारण होता है डर, थ्रेट्स। ये डर क्यों है, डर किसी भी तरह का हो सकता है। अगर हमने स्टडी नहीं की है तो इसका डर है, फेल होने का भी डर हो सकता है, ठीक है, पेपर कैसे देंगे, बहुत चीज़ें हैं जो हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, ये स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। सेकंड पॉइंट आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन भी स्ट्रेस को बढ़ा देता है। बच्चे आपस के एज ग्रुप में होते हैं और कंपटीशन होता है आपस में, कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है तो भी वो एक दूसरे को फ्रस्ट्रेशन देने लगता है, एक दूसरे को कंपैरिजन करने लगता है। ये फ्रस्ट्रेशन का एक बड़ा कारण होता है जो कि स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने लगता है स्टडी के टाइम। दूसरा होता है प्रेशर। प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चों के ऊपर कई तरह का प्रेशर होता है। जैसे पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि अरे फलाने के बच्चे ने तो इतना नंबर लाए हैं तो आप क्या करोगे। गार्जियंस का प्रेशर हो गया, टीचर का प्रेशर 90+ लाना है, एग्ज़ाम का प्रेशर कि अरे यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अदर कोई हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतनी बच्चे एग्ज़ाम देंगे हमारा क्या होगा। तो इस तरह से स्ट्रेस जो है ये डर के कारण होता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण होता है, प्रेशर के कारण होता है। तो इन सभी स्ट्रेस को हम एग्ज़ाम से पहले ही 1 मंथ 2 मंथ पहले ही इसको कम कर दें और अपने मेंटल को, अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर लें कि हाँ हम अपना एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तौर से मेंटली प्रिपेयर हैं, बिल्कुल कंफर्ट फीलिंग होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात है कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नंबर वन कि उसका सिलेबस क्लियर होना चाहिए, कि जो भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक उसका सिलेबस क्लियर हो। नेक्स्ट आता है कि कॉन्सेप्ट मैप क्लियर हो, कि हमारे जो स्टडी मटेरियल में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो मेरी कितनी परसेंट तैयार हैं, क्या मुझे हर चीज़ आती है, कम आती है, या एनी डाउट, जो डाउट हो उनको बिल्कुल क्लियर कर लें। जैसे मैप होता है, आप गूगल पे मैप सर्च करते हो, कहीं जाना हो तो आपको पता चल जाता है कहाँ ट्रैफिक है, क्या है, किस वे से जाना है। इसी तरह एग्ज़ाम के लिए भी आप कॉन्सेप्ट मैप क्लियर करें कि आपको किस चीज़ में आप वीक हैं, किस चीज़ में आपकी अच्छी पकड़ है, जो सब्जेक्ट वीक हैं उनको पहले कवर करें। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट मैप। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि प्लान योर स्टडी रूटीन। कहते ना कि बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ प्लान। तो आप भी प्लान करिए कि स्टडी रूटीन जो है पूरे 1 वीक का ना बनाइए, क्योंकि इतना बड़ा शेड्यूल है, पूरा दिन होता है, पता नहीं कहाँ क्या हो जाए। पर डे का शेड्यूल बनाइए, पर डे आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, डिसाइड करिए आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं और आप डेली रूटीन अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज 24 आवर्स में मुझे 18 आवर्स ये चीज़ें पढ़ के इनको सेव कर लेना है, अपनी माइंड मेमोरी में बिल्कुल उसको सेट कर लेना है। ये होता है हमारा स्टडी रूटीन, कि प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास कि हाँ हमको 2 घंटे मैथ लगानी है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, जो भी है आपका टाइम टेबल जो है वो डेली प्रिपेयर होना चाहिए, डेली एक एक दिन करके आप धीरे धीरे परीक्षा के नज़दीक आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है कि ट्राई टू गेट इनफ स्लीप, मतलब
ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम की भागा दौड़ में आप सोना ही भूल जाएं। कुछ बच्चों की आदत होती है रात रात भर पढ़ने चले जा रहे हैं, दिन दिन भर पढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। आप जो है प्रॉपर नींद लें, 8 घंटे की नींद प्रॉपर हर व्यक्ति को जरूरी होती है। तो इसलिए एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको प्रॉपर नींद लेना भी जरूरी है, ठीक है, कि आप अच्छे से प्रॉपर सोएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो फ्रेश फील करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि ट्राई टू मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल बहुत इफ़ेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए किसी के घर का माहौल बहुत फ्रस्ट्रेशन का भरा हुआ है तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी स्टडी उससे प्रभावित होगी। तो आप अपनी लाइफ जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, कि आप अपनी लाइफ में देखें कि जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, कि कहीं कोई चीज़ हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, या आप कोई फ्रेंड्स आपको बुलाने चले आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप फ्रेंड्स दोस्तों रिलेटिव से मिलते रहेंगे तो ये आपको बहुत इफ़ेक्ट डालेंगे। तो जो फैमिली की लाइफ स्टाइल होती है थोड़ा इसको अवॉइड करें। उसके बाद होता है टेक रेगुलर स्टडी ब्रेक। स्टडी कोई भी कंटिन्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे माइंड की एक कैपेसिटी होती है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला जो है वो 1 घंटे कंसंट्रेट कर पाएगा, 2 घंटे कंसंट्रेट कर पाएगा, लेकिन कोई भी जो होता है 45-50 मिनट से ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसके बाद आपके पास यही एक तरीका है कि आप अपनी स्टडी को थोड़ी थोड़ी देर पर ब्रेक दें। जैसे ब्रेक देने का मतलब है थोड़ा चल फिर लिए, ठीक है, थोड़ा सा घूम लिए, बातचीत किसी से कर लिए, और फिर 10 मिनट बाद आकर अपनी टेबल पर आ गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है, आप कंफर्ट फील करते हो, ठीक है, मेमोरी आपकी अपडेट हो जाती है, ठीक है, बूस्ट हो जाते हैं, आप एनर्जी फुल फील करते हैं। तो 45 मिनट, 50 मिनट या 1 आवर्स के बाद आप 10 मिनट का रिलैक्स ज़रूर लें। इसी तरह होता है कि थोड़ा आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जैसे एक्सरसाइज कर ली, कोई गेम खेल लिया 5-10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, कि नहीं आपने पबजी का मोबाइल पकड़ लिया और लग गए उस पर 2 घंटे चले गए, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको माइंड रिलैक्स करना है ना कि माइंड डाइवर्ट करना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, माइंड रिलैक्स करना है ना कि माइंड डाइवर्ट करना है, ओके। फिर होता है कि अपनी जो टॉपिक है ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टॉपिक इन डिटेल्स। जब भी पढ़ने बैठे तो अपने टॉपिक्स को डिटेल वाइज पढ़ें। अगर हम कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो मेरे पास टॉपिक सिलेबस होता है कि हमको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में मेंडलिव पढ़ना है या न्यूटन पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उनके बारे में आपके पास फुल डिटेल्स होनी चाहिए। फुल डिटेल्स का लाभ आपको ये होता है, ये प्रॉफिट होता है कि आप जो है चाहे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे MCQs पूछा जाए, चाहे वेरी शॉर्ट पूछा जाए, एवरीथिंग इज़ क्लियर, आप उसका कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अपने टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ें, ओके। उसके बाद होता है कि ब्रेक फ्री फ्रॉम डेस्टिनेशन। ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें कि जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करती हैं, जैसे रोज़ फ्रेंड का आना जाना, ठीक है, अदर लोगों का मिलना जुलना, कि मोबाइल हमें डिस्टर्ब करता है, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल की है, लैपटॉप की है, कि हमने पढ़ने चले और खोपड़ी पे मोबाइल रख लिया, नज़दीक मेज पर मोबाइल रख लिया, तो ये बिल्कुल मत करें। क्योंकि यदि आप मोबाइल मेज पर रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो ऑफिसली आप हर 1-2 घंटे बाद उसके मैसेज चेक करेंगे, या तो फिर आपको मोबाइल रखने की शौक़ है तो आप उसमें नेट ही न डलवाएं, सो ज़्यादा सही है, वो आपसे होगा नहीं आज की लाइफ स्टाइल में। तो एग्ज़ाम भर सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि आप मोबाइल को अवॉइड कर दें, बिल्कुल मैसेज देखना ही बंद कर दें, सेल्फ कंट्रोल पावर इस्तेमाल करें, बिल्कुल। और लास्ट इज इम्पॉर्टेंट टिप्स कि मेडिटेशन इज कंपल्सरी। एग्ज़ाम स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने मस्तिष्क, शरीर
भावनाएं सभी को नियंत्रित करता है। तो एवरी मॉर्निंग 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन इज कंपल्सरी, मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन से ये होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी पावर है वो एक जगह कंसंट्रेट होती है। तो स्टूडेंट लाइफ हो या लाइफ हो, दोनों में ही मेडिटेशन इज कंपल्सरी। ओके, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने इतना कुछ किया है तो हम अपना गोल निर्धारित करें। ठीक है, सेट योर गोल्स कि जिस एग्ज़ाम को हम देने जा रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, मतलब उस लक्ष्य को हम कहाँ तक पाना चाहेंगे। लक्ष्य 100% का भी हो सकता है, 80% का भी हो सकता है, 90% का भी हो सकता है। तो जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उसका गोल निर्धारित करिए सबसे पहले कि हमें इतने मार्क्स लेकर आने ही आने हैं, नो इफ एंड बट। ओके, तो गोल्स निर्धारित, जब आप 90 का गोल्स निर्धारित करेंगे तब कहीं 80 पर आकर रुकेंगे, और जब 100 का गोल्स निर्धारित करेंगे तो 90 का, क्योंकि ह्यूमन एरर है, मनुष्य है, भूलेगा जरूर, कुछ याद करेगा, कुछ समझेगा। इतना बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ एरर्स तो होने ही होने हैं। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो स्ट्रेस रिड्यूस की मैंने टिप्स बताई तो आप लोगों को बेहद अच्छी लगी हुई होंगी और समझ में आई होंगी। हम यही आशा करते हैं कि आप लोग इन स्ट्रेस रिड्यूस के जो भी टिप्स हैं इनको फॉलो करें और अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करें, जिससे आपने जो अपना गोल, अपना टारगेट तय किया है आप उसे पा सकें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और हिंदी के 2021 का संभावित पेपर जो है उसके साथ मिलेंगे कि हाई स्कूल और इंटर में 2021 में जो आने वाला संभावित पेपर है वो पेपर मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर वॉच करिएगा और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिसमें अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो सके। गुड बाय, टेक केयर।